ये जो लाल सब्सक्राइब का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, बाजू का बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह करे सबको सेहत से नवाजे, अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में मसालेदार मटन तहरी लेके आए। उसके लिए मैं गोश्त ले ली, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब गोश्त है। ये हड्डी का भी है, बगैर हड्डी का भी गोश्त है। ये अच्छी तरह से मैं वॉश करके रख ली है गोश्त को। तकरीबन अपन 1.5 किलो के करीब तहरी बना रहे, 3 किलो के 2 किलो चावल लिए, 1.5 किलो गोश्त लिए तहरी बना रहे। उसके लिए 1 किलो टमाटे मैं अच्छी तरह से बारीक कट कर ली थी टमाटों को। टमाटे अच्छे डालना, टमाटों से टेस्ट अच्छा आता। अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये नमक का पाउडर है 2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए नमक, कोई कम खाते कोई ज़्यादा डाल खाते। लाल मिर्ची का पाउडर है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है। लाल मिर्ची ज़रा अच्छा है ना, चटपटी बन के रेडी होती है अपनी तहरी। हल्दी का पाउडर है 1/2 चम्मच, मीठा तेल है तकरीबन 4 से 5 टीस्पून। इसमें पानी ऐड कर देंगे अपन, पानी डाल के अपन गैस ऑन करके रख देंगे, अच्छी तरह से पानी पूरा सूख जाना, अच्छा भून लेंगे इसको। गैस ऑन कर दी मैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों, गोश्त है, टमाटे है, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, सभी चीज़ें डाल दिए अपन। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ढक्कन ढाँप देंगे इसका, फिर नेक्स्ट बताऊँगी मैं। चलिए जब तक ये हुए तक अपन कस्टर्ड बना लेंगे आम के मीठे के लिए। नेक्स्ट अपन दूध है, ये दूध रख दी मैं बॉईल करने के लिए, तकरीबन 1/2 लीटर से ज़्यादा है ये। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे अपन। दूध अपना बॉईल हुए तक अपन कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं पानी ले ली 1/2 कप, उसमें 3 से 4 टीस्पून कस्टर्ड डाल ले रही मैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। जरे भी लम्स न रहना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ठंडा पानी हो या दूध हो, ठंडा रहना तो अच्छी तरह से मिक्स होता। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब दूध अपना बॉईल हुए तक अपन 1 कप शक्कर ऐड कर देंगे इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शक्कर अपनी अच्छी तरह से घुला लेंगे शक्कर को इसमें। दूध अपना अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अब इसमें कस्टर्ड ये मिक्स करके रखे कस्टर्ड ऐड करेंगे अपन। एक हाथ से हिलाते रहेंगे कस्टर्ड को, अच्छी तरह से गाढ़ा पका लेंगे इसको। कस्टर्ड को अच्छा पका लेंगे अपन, जरे भी लम्स नहीं रहना कस्टर्ड में। चलिए देख सकते हैं कस्टर्ड अपना रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अपन आम कट कर लेंगे इसमें, आम के छोटे छोटे ट्यूब्स में कट कर लेंगे आम, ये इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए देख सकते हैं वो अपन ठंडे के लिए रख दिए कस्टर्ड बना के। नेक्स्ट अपन ये इसका पानी अच्छी तरह से सूख गया, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तहरी की हंडी है ये, तहरी में अपन सूप डाल के चढ़ा दिए थे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छा। साथ ही 1 कप दही डाल देंगे इसमें, अच्छा फेंट ली थी मैं दही को। कस्टर्ड बन के ठंडा होने रख दिया अपन, आम भी कट हो गए अपने ठंडा हुए, बस अपन आम डाल के मिक्स करेंगे। मिठाई का भी अपना रेडी हो गया, तहरी भी अपन
चटनी तकरीबन तकरीबन रेडी हो गई। अब इसको ये पानी सूखे तक फिर भून लेंगे एक बार। गोश्त भी अपना अच्छी तरह से गल जाता और पूरे टमाटे वही सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाते। फिर एक आधे 15-20 मिनट तक ऐसे पानी सूखे तक रखेंगे जब तक अपन नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुनेगा। इसमें आप मिर्ची नमक अच्छी तरह से टेस्ट कर लो। टेस्ट कर लेके पानी ऐड कर देंगे इसमें। अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड करना और थोड़ा कम ही ऐड करना, नरम अच्छी नहीं दिखती तहरी। चलिए अब तहरी अपना अधन पके तक इसमें दालचीनी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 टुकड़े हैं दालचीनी के। शाहजीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के तक। अच्छी तरह से पक रहा है। इसमें हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें। नींबू ऐड कर देंगे इसमें, तकरीबन पूरा 1 नींबू है। चलिए माशाल्लाह अच्छी तरह से खलखली आ गई। अब इसमें अपन चावल ऐड कर देंगे। तो चावल ऐड कर दी मैं, पूरे 1.5 किलो चावल है ये। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। ढक्कन ढाप देंगे, खलखली आए तो। कस्टर्ड अपना अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें आम मिक्स कर लेंगे अपन। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप शक्कर अपने हिसाब से टेस्ट करके डालिए। कस्टर्ड अच्छा रहना, इसमें कस्टर्ड से टेस्ट आता। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, इसमें मिल्क मेड भी ऐड कर देंगे। चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। मिल्क मेड भी डाल दिया अपन इसमें। चलिए ड्राई फ्रूट्स, ये मैं पहले से कट करके रख ली थी, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें। काजू, बादाम, पिस्ते हैं, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलिए अब ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। ठंडा हो बस सर्व करके बताऊंगी मैं इसको। चलिए अपनी तहारी भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब दम कर देंगे अपन, दम लगा देंगे इसको। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नीचे ऊपर। चलिए अब इसको ढक्कन ढाप देंगे 5 से 10 मिनट्स के मीडियम आंच पर रख देंगे दम देने के लिए। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से दम हो चुकी है अपनी तहरी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हुई तहरी। चलिए अब सर्व कर लेंगे इसको अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी तहरी भी बन के रेडी हो गई। ये दही की चटनी है, मीठा है, ये आम का मीठा है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। शब खैर, दुआओं में याद रखिए।